इतनी बुरी नियति इनकी नहीं हो सकती, उनको बुरी नजर से बचाना होगा, युवा शक्ति को नशे के गर्त में डूबने से बचाना होगा, उलझनों के भंवर में फंसने से बचाना होगा, सभी को अपना कर्तव्य निभाना होगा। मन ही मन रोता है, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले, भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। आज हम हैं नॉटरडम की सीनियर हिंदी टीचर मिस स्टेला पॉल शाह के साथ। आइए देखते हैं उनसे बात करके कि अंग्रेजी स्कूल में हिंदी का क्या महत्व है और वो क्यों हिंदी की टीचर बनी। कैसी हैं? हाउ आर यू मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी वाली चंगी हूँ, आई एम फाइन। अभी छुट्टियाँ हैं तो काफ़ी आनंद के साथ छुट्टियाँ बीत रही हैं। मुझे ये पता चला कि आपका जन्म 25 दिसंबर को है और आप वाजपेयी जी के बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल हूँ, एक तरह से मैं कह सकती हूँ वे मेरे इंस्पिरेशन हैं। एक तो जन्म का शायद एक ही दिन जन्म लेना, ईयर चाहे अलग हो, लेकिन मुझे इसी बात से खुशी होती है कि उनका जन्मदिन और मेरा जन्मदिन एक ही दिन है, तो शायद ये ईश्वर की योजना है कि वो तो इतने महान हैं, उनकी महानता के आगे तो मैं शायद कुछ नहीं हूँ, फिर भी मैं उनकी बहुत बड़ी एडमायरर हूँ, बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ हिंदी राइटर, एज अ पोएट, इज अ ग्रेट पर्सन ऑल्सो, बहुत बड़े वो महान पुरुष, इस युग के युग पुरुष कह सकते हैं उनको। तो आप अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाती हैं, क्या कितना महत्व मिलता होगा आपको हिंदी पढ़ाने में वहाँ? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मैंने नॉटरडेम के लिए अप्लाई किया था एज ए हिंदी टीचर, तो मैंने सोचा था कि अरे चलो आराम से मैं हिंदी पढ़ा लूँगी, यहाँ तो इंग्लिश मीडियम है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन जब मैं एज अ टीचर वहाँ काम करने लगी, तब मैंने देखा कि वहाँ जितना महत्व इंग्लिश का है, उतना ही महत्व हिंदी का भी है। बच्चे हिंदी में काफ़ी रुचि रखते हैं, काफ़ी उनका ज्ञान है, काफ़ी वे उत्सुक रहते थे और बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे। शायद मैं एक बात कहना चाहूँगी, उस समय मोबाइल नहीं था, मैंने 1988 में ज्वाइन किया था नॉटरडेम, तो उस समय मोबाइल नहीं था, मैसेज टेक्स्ट करने का कोई बच्चों में शौक नहीं था, तो उनकी हिंदी, उनकी भाषा बड़ी उस पर पकड़ उनकी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि आजकल के बच्चों की सबसे पहली समस्या है उनकी स्पेलिंग, वाक्य विन्यास, वाक्य की बनावट, वर्तनी, स्पेलिंग्स बहुत गलत होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने की आदत नहीं है। अब वे पढ़ते हैं अपने मोबाइल पर, मैसेज पढ़ते हैं, बहुत संक्षिप्त में मैसेज आता है, बहुत जो भी संदेश भेजे जाते हैं बहुत संक्षिप्त रूप में, चाहे वह अंग्रेज़ी के हों चाहे वह हिंदी के, जिसके कारण बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है कि उनकी उन भाषा का ज्ञान या भाषा की पकड़ उन पर कही उनकी बहुत ही कमज़ोर है। बस वो बोलने के लिए जितना बोल लें, लिखने में बिल्कुल, चूँकि मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ और मैंने देखा है बच्चों में हिंदी के स्तर को गिरते हुए, यह उनका दोष नहीं है, यह हमारे मीडिया का ही दोष है, आज के टेक्नोलॉजी का दोष है, क्योंकि वो किताबों से काफ़ी दूर चले गए हैं। कौन सी किताब पढ़ूँ, प्रेमचंद की पढ़ूँ, किस हिंदी राइटर की किताब पढ़ूँ, क्योंकि शायद ये उनके घर का ही प्रभाव है, माता पिता पढ़ते होंगे तो उनका शायद उन पर प्रभाव है, लेकिन ऐसे प्रायः बच्चों पर बिल्कुल, वे आज का जो युग है उससे बहुत अधिक प्रभावित हैं और बिल्कुल शॉर्टकट, संक्षिप्त भाषा, संक्षिप्त, हर चीज़ संक्षिप्त हो चुका है।
तो हम लोग बात कर रहे हैं वाजपेयी जी के बारे में, और आप वाजपेयी जी की बहुत बड़ी फैन हैं और आप भी कविताएं लिखती हैं और उनकी कविताएं भी पढ़ती हैं। आपको वाजपेयी जी की कोई एक कविता मैं चाहूंगा कि आप पढ़ के सुनाएं। ये कविता जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आज वर्तमान स्थिति में मनुष्य मनुष्य से अलग हो गया है, संबंध रिश्ते सब बस मोबाइल तक ही सीमित हैं। हम सुबह सुबह उठकर व्हाट्सएप फेसबुक सब पे मैसेज करते हैं, बात करते हैं, किंतु अभी कभी मिल बैठ के बात करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बस हमारा संबंध वहीं तक रह गया है। तो यह बड़े दुख की बात है। उन्होंने काफ़ी ऊंचाई हासिल कर ली है, बहुत आगे बढ़ गए अपने जीवन में, समय के साथ वो आगे चल रहे हैं, उनका ज्ञान, उनके पास सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन हृदय का संसार सूना है। वो उस ऊंचाई तक पहुंचने को ही सोचते हैं कि यह मेरे जीवन की सफलता है, किंतु मैं सोचती हूँ हृदय का संसार जब तक सूना है यह ऊंचाई किसी काम की नहीं। तो वाजपेयी जी इस कविता में यही बताते हैं कि ऊंचाई वास्तव में क्या होनी चाहिए, ऊंचाई की क्या परिभाषा है। तो मैं यह पढ़ती हूँ। सच्चाई यह है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, सबसे अलग थलग परिवेश से पृथक, अपनों से कटा बटा, शून्य में अकेला खड़ा होना पहाड़ की महानता नहीं मजबूरी है। ऊंचाई और गहराई में आकाश पाताल की दूरी है, जो जितना ऊंचा है उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरों पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले, भीड़ में खो जाना, यादों में डूब जाना, स्वयं को भूल जाना, अस्तित्व को अर्थ, जीवन को सुगंध देता है। धरती को बौनों की नहीं ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है, इतने ऊंचे कि आसमान छू ले, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बो दें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब भी न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न बसंत हो न पतझड़, हो सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलापन का सन्नाटा। हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी न देना। धन्यवाद। जो भाव है वर्तमान की स्थिति से काफी तालमेल अगर कहें तो, इन्होंने यह कविता कितनी पहले लिखी है, और चूंकि मैं मेरी सारी कविताएं यथार्थ से ही जुड़ी रहती हैं और मैं आकर्षित होती हूँ, मुझे ज्यादा लोगों को समझना पसंद है, ज्यादा लोगों के साथ रहना पसंद है। मैं उस ऊंचाई पर कभी विश्वास नहीं करती हूँ जैसे वाजपेयी जी ने लिखा है कि ऊंचाई पर खड़ा व्यक्ति हमेशा अकेला होता है, और मैं भीड़ में भी नहीं शामिल होना चाहती हूँ, मैं सबके संग चलना चाहती हूँ। वाजपेयी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी कविता में ये बात कही है कि सब साथ चलें, सब संग चलें, सब एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करते चले, कोई भी अकेला ना हो। मेरा इस पर पूर्ण रूप से विश्वास है, और आज का जो वातावरण, आज का वर्तमान जो स्थिति है हमारे बीच में, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हम रिश्तों की कद्र नहीं करते। बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो रिश्तों की कद्र करते हैं, लोग भौतिकतावादी की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो बस भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं, कि इतनी भीड़ में वो इतने अकेले हैं कि अपने बारे में भी सोचने की फुर्सत उनको नहीं है। इसीलिए मनुष्य ऐसी ऐसी बीमारियों से जूझ रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज सिर्फ उसके पास है कि आप इतने विनम्र बनो, जमीन से आप
जमीन पर आपका पांव टिका रहे ताकि आप सबको साथ लेकर चलो। जमीन से उड़ेंगे तो गिरेंगे और गिरेंगे तो चोट लगेगी, मेरा यही विश्वास है। इसलिए वाजपेयी जी यथार्थवादी कवि होने के नाते मुझे बहुत पसंद है। और आप अपनी कोई कविता, अपनी कविता भी सुनाना चाहेंगे आप? मेरी भी कविता यथार्थ से ही जुड़ी है जो मुझे पसंद है। एक बड़ी अच्छी कविता थी, मैं स्वभाव से आशावादी होने के नाते ज़्यादातर मेरी कविता आशा ही दिखाती हैं। तो मेरी कविता है पटाशेप। युगों का अभिशाप ढोता, दंश झेलता काल, उद्विग्न है, विवश है, मान्यताओं सड़ी नीतियों के अनचाहे प्रवाह में बहता काल, गति की आदमखोर प्रवृत्ति से स्वीकार अपनी पराजय, विवशता को अपने पौरुष का मान आधार, कर न पाता कोई प्रहार, कहाँ है समाधान, ढूंढ पाता क्या मनुज महान, किंतु सीमित दायरे में फैला प्रकाश, बन जाता वही शक्ति अपार, पुरुषत्व का लेकर संबल, चल पड़ता ले विजय अभियान, फिर विघ्न बाधाओं का आता सैलाब, पर पुरुषत्व ने मन में ली है ठान, अंततः करने असत्य पर प्रहार, असत्य पर सत्य का प्रहार, समुद्र मंथन सा कोई अभियान, लाएगा जीवन में अवश्य नया विहान। धन्यवाद। करते हुआ है उनके लिए सहानुभूति। अच्छा, ये नहीं कि आज का जनरेशन गैप है, बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चों का उनकी सोच बदल गई है, मतलब उनके लिए केवल नकारात्मक बातें, कहीं कुछ आशावादी आशा उनके प्रति चिंतित कोई नहीं दिखता है, बस उन पर ब्लेम ही लगाता है, एलिगेशन ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन मैं अपनी कविता में पूरी सहानुभूति मैंने दिखाया है युवाओं के प्रति, आजकल के युवाओं के प्रति, और सारे शिक्षकों के प्रति, माता पिता, देश के नेताओं से मैं आह्वान करती हूँ कि हमारे युवाओं की शक्ति का सही ढंग से उपयोग करें, ताकि उनकी शक्ति ऐसे चैनलाइज करें कि वो देश समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकें, उन्हें ऐसे ना नकारें कि वो उनके सामने कोई भी रास्ता ना रहे जहाँ वो अपनी मंजिल पा सकें। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी है, उद्घोषणा, मेरी उद्घोषणा, मन की उद्घोषणा है कि मंजिलों की तलाश में भटक रहा आज का युवा, मन और तन दोनों से थका, निराशा के भंवर में उलझता, दिशाहीन हो भटक रहा है, रोज रोज नए नए सपने गढ़ता, गढ़ा हुआ भी रह जाता अनगढ़ा, संस्कार के अभाव में कहाँ हो पाता कोई सृजन नया, दुविधाओं के जाल से निकलने का हर प्रयास रह जाता अधूरा, युवा मन बस वहीं बंद कर रह जाता, देश धर्म जाति को तोड़ने का, हर ओर आतंक फैलाने का, युवा शक्ति का ही तो इस्तेमाल करते देश के कर्णधार, हाथों की कठपुतली बनना ही बन जाती बस उनकी नियति, चारों ओर जैसे हर पल कोई रच रहा इनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र हर बार नया, तोड़ने का हर पल इनको, डसने को इनको तैयार हर कोई यहाँ, हाय इतनी बुरी नहीं नियति इनकी नहीं हो सकती, उनको बुरी नज़र से बचाना होगा, युवा शक्ति को नशे के गर्त में डूबने से बचाना होगा, उलझनों के भंवर में फंसने से बचाना होगा, सभी को अपना कर्तव्य निभाना होगा, अभिभावकों, शिक्षकों, नेताओं, देश के जिम्मेदार नागरिकों को हर को यह बीड़ा उठानी होगी, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ संवेदनहीन बन दूसरों पर दोषारोपण से बचना होगा, तभी तो सभी को अपना कर्तव्य स्मरण आएगा, फिर नई सुबह में आशाओं की किरणें खिलखिलाएंगी, माता पिता
अपनी संतानों को पहचानेंगे। नई दिशा नई सोच का दामन पकड़ संस्कार नीति रीति का ध्यान कराएंगे। युवा मन भी स्नेह सरस पाकर आशा के बीज उगाएंगे। अपना और अपने समाज की विकास यात्रा में नई सोच नई उपलब्धियों के दीप जलाएंगे। धन्यवाद।